कार्यक्रम कैसे हैं रोहित? ठीक ठाक। कौन सा है, कहाँ से? चलो, अपने बच्चे को हमारा प्यार करिएगा और बताइए आज कौन सा ड्रीम आप शेयर करना चाहती हैं। मैं कोई ड्रीम नहीं शेयर करना चाहती, मैं डॉक्टर साहब से एक बात। अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे कहना चाहती हूँ आप एक प्रोग्राम ना बिहेवियर और हैबिट पे रखिएगा। एक प्रोग्राम तो काफी नहीं, उसमें तो काफी प्रोग्राम करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि हैबिट जो होती है, हाँ जी, एक्चुअली होता ही है कि एक्शन से बिहेवियर बनता है, बिहेवियर से हैबिट बनती है, हैबिट से कैरेक्टर बनता है और कैरेक्टर से डेस्टिनी बनती है। क्या बात है। तो इसके हमें काफी प्रोग्राम करने पड़ेंगे, इंशाल्लाह विल डू इट। अभी याया साहब ने जो साइबर की बात की, आज साइबर स्पेस में आजकल जो नौजवान हमारे बच्चे टीनेजर रहते हैं, प्लस जो आपने हैबिट्स की बात की, इस पर डेफिनेटली, बल्कि इनफैक्ट थैंक यू वेरी मच, आप लोग हमें सजेशन भेजें कि हम आने वाले दिनों में किस सब्जेक्ट्स पे प्रोग्राम करें। चलें, थैंक यू सो मच डॉक्टर गुजारो, और प्लीज आपने इतना अच्छा टॉपिक हमसे हमें सजेस्ट किया है, सो नेक्स्ट टाइम में कोई जहन में टॉपिक हो तो भैया शर्मा कॉल कर देना, बता देना। मैं एक्चुअली एक बात डिस्कस करना चाहता हूँ। कल इस्लामाबाद में एक बहुत बड़े सर्जन आए थे फ्रॉम पेशावर, वेरी वेल नोन सर्जन, मेरे ख्याल में 30-35 साल हो गए, एंड अभी रिसेंटली वो अमेरिका गए थे, तो वो बुक्स लेके आए बहुत सारी, तो ब्रेक में मुझे बाहर ले गए और उन्होंने सारा एनएलपी हिप्नोसिस, कल फोर्थ डायमेंशन पर लिखा था, लेखी भी कर चुका है, किसकी बात करूं, उन्होंने सारी किताब दिखाई, मुझसे कहा ये मैंने ये ली ये ली ये ली, एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि वो इन सब्जेक्ट्स को पसंद करें। फिर आपको पता है उन्होंने एक बात की जाते हुए, उन्होंने कहा कि काश मुझे 20 साल पहले पता होता कि माइंड साइंसिस क्या है। आज इतनी उम्र में आने के बाद मुझे जब मैंने पढ़ा तो मुझे पता चला कि मैं जो जानता हूँ वो कितनी छोटी फील्ड है। बिल्कुल सही। और इस कायनात में कितने उलूम हैं, कितने उलूम हैं, और सारे मेडिकल साइंस से कनेक्ट होते हैं, इंसान की हीलिंग, इंसान की बेहतर, दे आर ऑल कनेक्टेड, दे आर ऑल कनेक्टेड। अच्छा जी, एक और बात, जिसमें हमने कल एक वर्कशॉप में मैं जब कराई थी क्रिएटिव विजुअलाइजेशन का अपना वो सेक्शन, तो उसमें मैं समझाते हैं, मेरे मुंह से एक बात निकल गई थी जो मुझे बड़ी बात में इंस्पायर, क्योंकि वो एक अचानक से अब्बू का एंटीना शायद कनेक्ट हो गया था, तो अचानक से वो बात निकल गई मेरे जबान से, वो ये थी कि इंसान की जो लिमिटेशन है, जिसमें उन्होंने कहा कि ये मुझे 20 साल पहले क्यों नहीं पता चला कि ये सारी चीजें भी दुनिया में मौजूद है, इंसान की लिमिटेशन इंसान का माइंड खुद लगाता है, कहीं बाहर से नहीं आती। अगर आपकी सोच, फॉर एग्जाम्पल राइट ब्रदर्स की सोच उस वक्त कहती थी कि प्लेन हो सकता है, कैसी चीज हो सकती है जो उड़ेगी, बहुत सारे लोगों के लिए ये सोच एक लिमिटेड थी, नामुमकिन बात थी, लेकिन उनके लिए मुमकिन थी और उन्होंने मुमकिन कर दिखाई। तो जो भी सोच अगर आपके जहन में आती, जो भी ख्वाब, जो भी ड्रीम आपके जहन में आता है और आपको लगता है पॉसिबल है, वो पॉसिबल एक और, बिकॉज योर माइंड कैन नॉट थिंक एनी थिंग दैट इज इम्पॉसिबल। हमारे साथ एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन से, कहाँ से? निसार उमन कुरैशी बात कर रहा हूँ, कराची से। कैसे हैं निसार साहब आप? अल्लाह का शुक्र है, बस डॉक्टर साहब को सलाम करना। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बस हम भी फर्स्ट डे को ही पहुंचे, आज तक गए थे आपसे मुलाकात हुई थी। हज मुबारक हो तो बहुत आपको। थैंक यू, थैंक यू, मेरे मिसेस की तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ने आपके। ये रमशा के वालिद हैं। जी बिल्कुल, पहचान गया। थोड़ा मैं ड्रीम शेयर करना चाह रहा हूँ। जी जरूर जरूर, कहिए। मैं वही हज के बाद में आया मक्के में ही था, तो एक ड्रीम देखा मैंने। ठीक है। मैं देख रहा हूँ कि मैं जहाँ पहले मेरा घर था गाँव में, वहाँ मैं जा रहा हूँ पैदल पैदल। ठीक है। तो वो मेरी पुराना घर है ना, जो वहाँ पे मैं पहुंचा हूँ तो एक दो बंदे बैठे हुए हैं। ठीक है। वो घर मेरा जो फूटा फूटा हुआ है, ईंटे खुद फैली हुई है, ऐसे एक कुर्सी पे बैठा हुआ है, एक नीचे बैठा हुआ है। ठीक है। वो कहते हैं, वो मुझे जानते, मैं नहीं जानता उनको। ठीक है। तो वो कहते हैं, मैं पूछा, उन्होंने कहा जी माफ करना, अभी आपके वालिद साहब जो है ना, उनकी डेथ हो गई है। ठीक है। तो लेकिन वो इतनी इमरजेंसी में हुई कि 25 मिनट में ही हम ले गए हॉस्पिटल, और तो उसको हमने मतलब दफा दिया। ठीक है। आप उतरा नहीं दिया हमने। ठीक है। तो मैं वहाँ बहुत मतलब फूट फूट के रो रहा हूँ वहाँ पे। ठीक है। फिर मेरी आंख खुल जाती है।
अच्छा ये वस्ता है। अच्छा मुझे बताइए हकीकत में आपके वालिद हयात है? नहीं उनके डेथ हो गई 94 में हो गई। अच्छा ठीक है मैं आपको बता दूँ बड़ी सिंपल है इसकी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू दुआ कीजिए मेरे लिए। जुमेरात बहुत जाएगी जुमेरात को लेक्चर में आए जुमेरात को लेक्चर में जरूर आइए आइएगा जरूर। बड़ी सिंपल है जी अब चूंकि हमारे पास वक्त नहीं होता इसलिए मैं डिटेल में नहीं सिंपल से बताता। ये ड्रीम रिफ्लेक्ट इस बात को करती है कि ये पाकिस्तान छोड़कर कहीं और शिफ्ट होंगे। ये कैसे करती है? बस बता करती है। डिटेल में नहीं बता सकता। अच्छा जी पाकिस्तान छोड़कर निशा साहब कहीं और शिफ्ट होंगे। रमशा को मैं कहीं जाने नहीं देती। उसने मुझे कहा मैं उसकी बड़ी आपी हूँ तो मैं तो उसको कहीं जाने नहीं। आप सबको जाना तो चले जाए कोई मसला नहीं। अच्छा जी हम एक ड्रीम अपना अंदर शामिल करेंगे अंदर का शामिल करेंगे शो में शामिल करेंगे। वो ड्रीम ये है कि जी इनका नाम है निगत और निगत साहबा ये कहती है कि जी मैं अक्सर मतलब डॉक्टर मोहित को सलाम सबसे पहले से आपका शो बहुत अच्छा है मैं आपका शो रेगुलरली देखती हूँ और रोज आप अच्छी लगती हैं। थैंक यू सो मच आई एम डूइंग अ गुड जॉब। थैंक यू। अच्छा जी मुझे एक छोटा सा इशू डॉक्टर मोहित से अपना शेयर ये करना है कि मैं हर वक्त वायलेंट ड्रीम्स देखती हूँ अपने ड्रीम्स में। या तो मैं किसी के पेट पे चाकू मार रही होती हूँ या फिर मैं किसी की आंते निकाल रही होती हूँ आंते हाथ में पकड़ के उसको घुमा रही होती हूँ शख्स को। तो ये किस चीज की मतलब रिप्रेजेंटेशन है? वाह मतलब आंते घुमा रही है बड़ा मुश्किल है ये। नाउ ये ड्रीम अगर ये बार बार आ रहा है ड्रीम कभी एक दफा है तो कोई बात नहीं मगर बार बार आ रहा है। नहीं उन्होंने लिखा है रेगुलरली रेगुलरली आ रहा है इसका ये मतलब ये है कि इनके अंदर तशद्दुद गुस्सा नफरत इंतकाम लेने की बड़ी शदीद ख्वाहिश है मगर ले नहीं पाती किसी चीज से भी। तो बेसिकली ड्रीम रिफ्लेक्ट करता है लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन को बेबसी। अब वो बेबसी पॉसिबल है बिजनेस अगर मर्द होता तो बिजनेस में नाकामी है या कामयाबी नहीं हो रही या अतराफ में जो लोग हैं उन्होंने बाउंड करके रखा है तो किसी भी वजह से जो बेबसी क्रिएट होती है इंसान को तो ये ड्रीम में इस चीज की नुमाइंदगी है कि अगर इनका बस चले तो ये कर दे वो कर दे इट मींस बेबस है बहुत बेबस है। मैं भी सोचती हूँ मतलब मैं ऐसे कभी बेबस फील नहीं करती इसलिए मैं ड्रीम में किसी काम नहीं। दिस इज नॉट अ नाइटमेयर बेटा नाइटमेयर इज समथिंग एल्स शी रोट इट नाइटमेयर। ये ड्रीम बहुत सारे टीनेजर्स में बड़ी कॉमन है आजकल। अच्छा और ऐसी और लड़कियों में कॉमन है जो बहू है सास की वजह से वो बड़ा प्रॉब्लम है उनको तो उनको भी ये ख्वाब आता है। अच्छा जी तो चले हम मैं अभी जरा से ये आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी अगर आपको इस तरह के कोई ख्वाब आते हैं तो देयर इज नथिंग टू वरी अगर बेबसी की भी कोई साइन है तो यू कैन यू नो अचीव इट। अगर आपको बेबसी कहाँ आप फील करते हैं अपने माइंड के अंदर यू लिमिट यूर सेल्फ फ्रॉम द पॉसिबिलिटीज देयर इज ऑलवेज द पॉसिबिलिटी। कोई इंसान कोई अशफुल मखलूकात इस दुनिया में बेबस नहीं है सिवाय अपने खुदा के आगे कोई भी नहीं है कोई है ही नहीं बेबस। आपको लगता है कोई बेबस है? असल में होता ही है कि आजादी और कैद यानी फ्रीडम यानी आजादी और कैद बॉन्डेज दे एग्जिस्ट ओनली इन योर थॉट। कुछ लोग सुलाखों के पीछे आजाद समझते अपने आप को और कुछ खुले आसमान के नीचे हो फिर भी अपने आप को बंद समझते हैं या बंदिश में समझते हैं। तो यू नो इट्स एवरीथिंग इज इन योर माइंड यू आर फ्री यू आर इन द केज इट्स इन योर माइंड। हमारे साथ एक कॉलर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब कहाँ से? मोहम्मद यूसुफ कराची से। मेरी उम्र 65 साल है क्योंकि प्रोफेसर साहब ने फरमाया था कि अपना बैकग्राउंड भी बताएं ख्वाब से पहले जी सर। तो मैं मतलब 65 साल का हो चुका हूँ और मैं इंडस्ट्रियलिस्ट रह चुका हूँ और अब भी मैं बाकायदा बिजनेस अपना करता हूँ कुछ माशाल्लाह। और ये है कि मैं ख्वाब बचपन से यानी छोटी उम्र से देखता हूँ कि मैं मिट्टी खोद रहा हूँ ठीक है अच्छा। और उसके अंदर से सिक्के निकलते हैं 54 और 58 ठीक है और दूसरे लोग भी फिर जमा हो जाते हैं वो भी खोदते हैं ठीक है और ये मतलब दूसरों के हाथ में नहीं आते और मेरे ही हाथ में आते हैं ठीक है। तो ये ख्वाब क्या है और इस उम्र तक मुझे अभी तक ये ख्वाब आता है। ओके थैंक यू सो मच आपकी कॉल का मोहम्मद यूसुफ साहब। प्लीज दुआ में याद रखिएगा ये वैसे मुझे लगता है खजाने की निशानी नहीं असल में ये ख्वाब जो है वो सिग्निफाई इन्होंने खुद ही ख्वाब का जवाब भी बता दिया इनकी लाइफ कि अभी तक काम कर रहे हैं इंडस्ट्रियलिस्ट थे अभी भी बिजनेस कर रहे हैं। ये बेसिकली ख्वाब से मुराद ये है कि ये एक लक हम वैसे तो लक फिनोमिना डिफरेंट होता है मगर आम लोगों को समझाने के लिए ये एक लक फिनोमिना होता है। ख्वाब रिफ्लेक्ट करता है कि जब कभी वो एफर्ट करेगा ये शख्स इसको हमेशा इनाम जरूर मिलेगा। ये जब भी ये किसी भी चीज के लिए खोदेगा एफर्ट करेगा कोई भी कोशिश करेगा एफर्ट करेगा
उसको उसका अजर जरूर मिलेगा। मगर जो चीज डिफरेंट थी ख्वाब में वो ये थी कि दूसरे लोग मुस्तफीद नहीं हो रहे, तो मैं इनसे ये गुजारिश करूंगा कि अगर अतराफ में कुछ और लोग भी हैं, रिश्तेदार वगैरह दूर के करीब, किसी तरह अगर ये अपने बिजनेस में उनको इस तरह शामिल कर दे कि उनकी जिंदगियां भी बेहतर हो जाए, तो ये ख्वाब जो है उसमें एक बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। अच्छा जी, तो दूसरों को लखपति बना खुद भी करोड़पति बनेंगे, वही वाली बात है। एनरोलमेंट का प्रोसेस जो हम फोर डायमेंशन में सिखाते हैं कि अपनी पॉसिबिलिटी में लोगों को एनरोल करें, तो आपका काम आपकी पॉसिबिलिटी प्लीज में लोगों को एनरोल करें, उनका भी फायदा होगा और आपका भी। और हमारे साथ इतनी सारी ईमेल है, मुझे पूरा टाइम नहीं मिलता पढ़ने का, तो मैं एक और ईमेल शामिल कर लेती हूँ। अच्छा जी, हमारी ईमेल है, नाम बहुत मुश्किल सा इनका, मैं इनकी ईमेल अजीब सा कुछ आवरी अवारी पता नहीं समथिंग लग जाए। अच्छा, ये इनकी ईमेल ये है कि जी मैं डॉक्टर मोहित हुसैन, सलाम अलैकुम आपको, और मैंने आपको अपने ख्वाब में देखा था कि आप मेरे घर में हैं और मेरे घर में उसे बहुत सारी व्हाइट रोशनी है। इस रोशनी के साथ साथ दीवारों के ऊपर बहुत सारे अजीब सी लैंग्वेज में कोई सिंबल बने हुए हैं और इन सिंबल का मतलब मुझे नहीं पता। बहुत सारे लोग एक दर्स की महफिल की तरह जमीन पर बैठे हुए हैं और आप मुझसे कुछ पीने के लिए कोई मीठी शरबत या कोई चीज मांगते हैं। जैसे ही मैं वो लेने जाती हूँ और वापस आती हूँ तो आप वहां मौजूद नहीं होते, और फिर मैं आपको ढूंढने के लिए निकलती हूँ तो मैं अपनी वालदा से पूछती हूँ कि डॉक्टर मोइस किधर है, तो मेरी वालदा कहती है डॉक्टर मोइस बस इधर ही है। जैसे आप मुझे मिलते तो आपके पीछे बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, और जैसे कि मैंने रेकी किया हुआ है और उसके बारे में पढ़ा हुआ है, तो वो सिंबल एग्जैक्टली वो हैं जो आप लेवल वन में सिखाते हैं। इसका क्या मतलब है? देखिए, ये ख्वाब पॉसिबल है अगर आपके थॉट था माइंड में सोने से पहले तो भी आ सकता है, या आपकी ख्वाहिश थी आगे चलने की मेरे साथ। तो इसको अगर मैं सम अप करूं इस ख्वाब को, तो ये कि इनको आगे जाना चाहिए, हीलिंग में जाना चाहिए आगे, क्योंकि ये सिंबल जब घर पे आपके आते हैं तो बड़ी बरकत वाली चीज है ये। जिस तरह फॉर एग्जांपल कुरान के अंदर अलिफ लाम मीम, ठीक, ये अलिफ लाम मीम एक ऐसे शख्स को जो अरबिक नहीं जानता उसके लिए एक सिंबल है। तो ये सिंबल जब आपके घर में आते हैं तो बहुत मुबारक चीज होती है। अच्छा, तो इनको इस चीज में परस्यू करना, हीलिंग में आगे जाना चाहिए, लोगों को हील करना चाहिए। घर के अंदर अगर हो सके तो लोगों को बुला के जिनको तकलीफ है उनको हीलिंग देनी चाहिए। अच्छा, सिंबल से एक और मतलब भी है, फॉर एग्जांपल हमारी उर्दू की लैंग्वेज है अलिफ बे पे ते टे से जीम चे, जो भी पूरी उर्दू है हमारी ये तक, उसको अगर आप किसी अमेरिकन को दिखा लेंगे तो ये अलिफ और बे उसके लिए एक सिंबल की मतलब वो रखेगा, मीनिंग रखेगा, बोले की अजीब से सिंबल है क्या, एक के एक उसके नीचे एक एक अजीब से मटके के नीचे एक नुक्ता है, उसके लिए एक सिंबल ही होगा, लेकिन हमारे लिए वो बे है क्योंकि हमें पता है कि वो लैंग्वेज क्या है। इसी तरह बहुत सारी अगर जैपनीज फिल्म उनको नजर आए ऐसा कह रही कि वो मिलता जुलता लिंग पीपल। हमारे साथ एक और कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहबा, कहाँ से? रुबीना फ्रॉम कराची। जी रुबीना साहबा, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, थैंक यू, प्लेजर इज आवर्स। बहुत शुक्रिया एलटीवी का, हमें मेरी मेरी एक छोटी सी बात यह है कि मेरा बहुत लंबा ड्रीम नहीं है, लेकिन मैं जब सोती हूँ तो मुझे अक्सर अपने बच्चों की आवाज आती है, जैसे वो मुझे बुला रहे हो ममा ममा, या मेरे रूम का डोर लॉक होता हुआ मुझे सुनाई देता है, या घर की डोर बेल जो है वो मुझे सुनाई देती है। जब मैं उठती हूँ जाके देखती हूँ तो कोई भी नहीं होता। ठीक है, ठीक, तो इसका मुझे समझ में नहीं आता और मैं रात में सोते सोते एक झटके से उठ भी जाती हूँ। ठीक है, ठीक है, चलो हम आपकी आपके ड्रीम का जवाब देते। थैंक यू सो मच फॉर कॉल, थैंक यू रीना, थैंक यू, थैंक यू सो मच। हमारे साथ एक और कॉलर है, उनकी भी हम बात सुन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन साहबा, कहाँ से? जी मैं नूरुलैंड बात कर रही हूँ लाहौर से। नूरुलैंड कैसी है आप और लाहौर कैसा है? जी बिल्कुल ठीक ठाक, अभी तो थोड़ा थोड़ा ठंडा है। मजे का मौसम होगा, पानी पूरी आपके बाहर भी मिल रही है। हाँ जी, गोलगप्पे। हाँ जी, पहले तो मैं सबसे पहले ये कह दूँ, जो आप लोग बहुत सुन सुन के थक गए होंगे, एक बात की प्रोग्राम बहुत अच्छा है और आप दोनों बहुत विविध पीपल है मेरे। नहीं, थैंक यू सो मच। और सर को मैं वैसे भी ईमेल्स कर करके बहुत तंग करती हूँ, और थैंक यू वेरी मच कि वो मुझे बहुत अच्छा रिप्लाई भी कर देते हैं। अच्छा, एक चीज में बताना चाह रही थी कि ख्वाब में बचपन से देखती हूँ और ख्वाब के साथ जीती हूँ, मतलब ईमेल्स मेरे लिए ऐसे हैं जैसे कि मेरे दोस्त होते हैं, मुझे हेल्प आउट बहुत करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जहाँ मैं अटक जाती हूँ, कुछ समझ आ जाते हैं, कुछ किसी से पूछ लेती हूँ। अच्छा, एक ख्वाब शादी से पहले मैं बहुत देखती थी, बचपन से देखती हूँ, जहाज हवाई जहाज उड़ता है
और गिर जाता है। अच्छा, लोग मतलब गिर जाता है, क्रैश हो जाता है, लेकिन लोग बच जाते हैं। अच्छा, ये पहले मैं शादी से पहले देखती थी। सही, शादी को 11 साल हो गए हैं माशाल्लाह। और माशाल्लाह से, और अब तकरीबन काफी दिन पहले मैंने ये ख्वाब एक दो मरतबा फिर देखा। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा गाड़ियां उड़ते हुए देखी।